हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका कॉर्नर। आज हम हमारे वीडियो में 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए नाइट सूट बनाने वाले हैं, वो भी 1 मीटर फैब्रिक में, और उसके साथ मास्क के भी डिज़ाइन देखने वाले हैं हम। और ये नाइट सूट हम एकदम नए डिज़ाइन में बनाने वाले हैं, तो ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। चलो तो फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये लाइनिंग डिज़ाइन में 1 मीटर फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक पॉलिस्टर वाला है, तो इसे हम नाइट सूट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इससे पैंट की कटिंग कर देंगे, फिर शर्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है फैब्रिक। ये चौड़ाई में बहुत कम ही लेना है हमें, क्योंकि 2 साल के बच्चे के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो ये इस तरीके से डबल फैब्रिक में है, इसकी चौड़ाई है 16 इंचेस। तो इस तरीके से हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर फैब्रिक हो जाएगा। अब हम मेजरमेंट लेंगे, तो ये 4 लेयर हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले नीचे से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये एक्स्ट्रा का पार्ट कट कर देना है। अब हमें बॉटम की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है सिलाई के लिए। इसमें हम स्ट्रिप अटैच करेंगे तो इसलिए हमने 1/2 इंच ही छोड़ दिया है। अब यहाँ से फुल लेंथ लेनी है हमें, तो हमारे बेबी की फुल लेंथ है 18 इंचेस, तो 18 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इलास्टिक के लिए। तो इस तरीके से हम सीधी लाइन खींच देंगे दूसरे साइड में भी इस तरीके से। अब हम यहाँ से कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो वो है हमारा 7 इंचेस, तो 7 इंचेस पर मार्क करने वाले हैं। और यहाँ से सीट का मेजरमेंट लेंगे, तो ये हमने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया था, वो लेके 8 इंच पर निशान लगाया है हमने। और यहाँ से क्रॉच का निशान लगा देंगे इस तरीके से राउंड शेप में। और बॉटम लेना है यहाँ नीचे से, तो बॉटम में हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। और सीट से बॉटम तक सीधी लाइन खींच देनी है और सेम निशानों में कट कर देंगे। यहाँ से हमने सीट का मेजरमेंट लिया था और यहाँ से बॉटम का सेम निशानों में हमें कट लगाना है। बहुत आसानी से हमने ये पैंट की कटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। ये मेजरमेंट मैंने 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होगा। और यहाँ से इलास्टिक लगाने में आसानी हो जाए और स्ट्रिप लगाने में आसानी हो जाए, इस तरीके से हमें कट्स लगा देने हैं ऊपर और नीचे। तो बस इतनी कटिंग कर देनी है हमें पैंट की, और नीचे में स्ट्रिप लगाएंगे तो स्ट्रिप भी हम बाद में कट कर देंगे। अब हम शर्ट की कटिंग कर देंगे बचे हुए फैब्रिक से। तो इस तरीके से फोल्ड करना है शर्ट के लिए, दोनों पार्ट हम एक साथ ही कट करने वाले हैं, अलग अलग पार्ट नहीं कट करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को सबसे पहले सेट कर देना है, और इसकी भी चौड़ाई हमें 13 इंचेस लेनी है। ये डबल में फैब्रिक है, इसको एक बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर फैब्रिक हो जाएगा। तो ऊपर से हमें 1 इंच पर शोल्डर डाउन कर देना है सबसे पहले, इससे फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है हमारे शर्ट की। और ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी कट कर देंगे। अब हमें नीचे से लेंथ लेनी है, तो ऊपर से हमें 14 इंचेस पर निशान लगाना है और 1 इंच मार्जिन में जाएगा, ऊपर 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ से सीधी लाइन खींच देनी है। और दूसरे साइड से हमें 1/2 इंच पर ऊपर लेना है, ये हमारे शर्ट का बॉटम होगा। तो इस तरीके से क्रॉस लाइन खींच देंगे 1/2 इंच पर। अब हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, तो हमारा बेबी का शोल्डर है 4.5 इंचेस, तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे
और आर्म होल में हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये नाइट सूट है तो थोड़ा लूजिंग ही रहेगा। और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, वो लेंगे हम 5.5 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। वेस्ट लाइन में भी सेम मेजरमेंट लेना है, ये नाइट सूट है तो लूजिंग में ही रहेगा, इसलिए हम सेम मेजरमेंट ले रहे हैं चेस्ट का और वेस्ट लाइन में। और आर्म होल में हल्की सी गोलाई लाते हुए निशान लगाएंगे और सेम निशानों में कट कर देना है। सेम निशानों में हम कट कर देंगे। ये मैंने 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए लिया है मेजरमेंट। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने शर्ट की कटिंग कर दी है। और सिलाई लगाते वक्त हम वेस्ट लाइन में हल्की सी राउंड शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 पार्ट रेडी है, एक आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाले पार्ट में से हमें कोई कटिंग कर देनी नहीं है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। और ये आगे वाले पार्ट में हम हल्का सा डिप कट कर देंगे आर्म होल में, इससे फिटिंग बहुत अच्छे से दिखती है। और हमें यहाँ पे बटन पट्टियाँ टच कर देनी है, तो अब हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। अब हमें नेक की कटिंग कर देनी है, तो इसका मेजरमेंट लेंगे। तो हम यहाँ से नेक की चौड़ाई लेने वाले हैं 2 इंच, तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और लंबाई में लेना है 3.5 इंचेस, तो इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और वी शेप में गले का आकार दे देंगे इस तरीके से। अब हमें कट कर देना है, इससे हमें स्ट्रिप लगाने में आसानी हो जाएगी वी शेप में। और यह हल्का सा पार्ट कट कर देना है स्ट्रेट लाइन में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी डिजाइन आ गई है नेक की, एकदम वी शेप में। यहाँ दोनों साइड में हम स्ट्रिप अटैच कर देंगे पूरी गोलाई में, तो इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमने सीधे लाइन में लिया था, तो ये क्रॉस इस तरीके से लेंगे। ये स्ट्रिप हम 3 इंचेस चौड़ी लेंगे, 3 इंचेस पर निशान लगाते हुए कट कर देना है स्ट्रिप को। इससे कॉलर लगाने में भी आसानी हो जाएगी, एकदम यानी कॉलर की डिज़ाइन आ जाएगी इस ड्रेस को। और ये बहुत अच्छे से दिखती है डिज़ाइन, बनने के बाद तो बहुत अच्छी दिखती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स घर में। और इस तरह की डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रिप भी कट कर दी है। ये हम नेक में यूज़ करेंगे पूरी गोलाई में। हम पैंट के बॉटम में भी स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं, तो ये भी कट कर देंगे साथ ही साथ। ये हमें 2 इंच की स्ट्रिप चाहिए, तो ये 2 इंच की स्ट्रिप्स हम कट कर देंगे। इससे डिज़ाइन भी बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये आप सीधे लाइन में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 2 स्ट्रिप्स बॉटम के लिए कट कर दी है। बचे हुए फैब्रिक से हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे। आप ये कोई भी डिज़ाइन में ले सकते हैं, सीधी डिज़ाइन में या क्रॉस डिज़ाइन में भी ले सकते हैं आस्तीन के लिए। तो इस तरीके से मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। इस तरीके से हमें और एक फोल्ड करना है, यानी दोनों आस्तीन एक साथ कट हो जाएंगे। ये डबल में फैब्रिक है, तो इस तरीके से 4 लेयर फैब्रिक हो गया है हमारा। ये पैक वाली साइड है, तो नीचे से हम स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं। तो इसके लिए 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे, यानी यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये पैक वाले साइड से हमारी लेंथ आ जाएगी। तो हमारे आस्तीन की लेंथ है 3.5 इंचेस और 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। और नीचे से हम 1.5 इंचेस ले लेंगे, यानी ये मार्जिन वाला भाग छोड़ देना है। तो ये 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने आस्तीन की लेंथ ली है और यहाँ से हम स्ट्रिप अटैच कर देंगे। और नीचे में 2 इंच पर मार्किंग किया है,
तो इस तरीके से क्रॉस लाइन खींच देंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए आस्तीन को कट कर देंगे। बहुत आसान तरीके से हमने ये आस्तीन की कटिंग कर दी है फ्रेंड्स। तो दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ हो गई है हमारी। तो सेंटर से हम इस तरीके से चॉप लगा देंगे, इसको खोलते हुए देखेंगे तो इस तरीके से हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। हमें ये दोनों एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देनी है मैच करते हुए। अब हम यहाँ से हल्का सा डिप कट कर देंगे, हाफ इंच तक ये पार्ट आगे में आएगा, इससे फिटिंग बहुत अच्छी दिखती है। तो आप देख सकते हैं ये आगे में आएगा और ये पीछे में आएगा पार्ट। और यहाँ हम स्ट्रिप अटैच करेंगे, तो इसके लिए स्ट्रिप्स की भी कटिंग कर देंगे। तो इससे हम दो स्ट्रिप्स कट कर देंगे दोनों आस्तीन के लिए। ये नाइट सूट हमने 1 मीटर फैब्रिक में पूरा कट कर दिया है, एकदम कम से कम फैब्रिक में। बहुत अच्छा सा नाइट ड्रेस हम घर में ही बना सकते हैं 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए। तो इस तरीके से हमने दो स्ट्रिप्स भी कट कर दिए थे। तो अब हम पैंट की सिलाई कर देंगे। तो हमने ये स्ट्रिप्स कट कर दी थी, वो भी अटैच करेंगे पैंट में। तो सबसे पहले इस तरीके से एक पार्ट रख देना है पैंट का, इसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे। और यहाँ हमें सीट में सिलाई कर देनी है दोनों साइड में, और बॉटम में भी ये स्ट्रिप्स अटैच कर देनी है। तो सबसे पहले सीधी रख देंगे स्ट्रिप्स को, इसके ऊपर ये सीधा रख देंगे और ऊपर से सिलाई करेंगे और स्ट्रिप्स को पलटते हुए दोनों साइड में सिलाई कर देनी है। दोनों बॉटम में इसी तरीके से हम स्ट्रिप्स अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों में हमने सिलाई कर दी है, स्ट्रिप्स भी अटैच हो चुकी है। अब हमें फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो हमें सबसे पहले पैंट को सीधा कर देना है और सीधे में ही सिलाई कर देनी है। तो सबसे पहले हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे वी शेप में, और फिर इसे उल्टा करेंगे और उल्टे साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे, ताकि ये हमारे धागे किसी भी तरीके से निकल लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सिलाई को पैक करते हुए सिलाई लगा दी है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई भी आ चुकी है। अब हम कमर में इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है, आप छोटी बड़ी कोई भी इलास्टिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 9 इंचेस की लंबाई में इलास्टिक कट कर दी है। तो सबसे पहले इलास्टिक को पैक करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक पैक हो चुकी है। अब हम इसे पैंट में अटैच करेंगे पूरी गोलाई में। तो इस तरीके से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करना है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और गोलाई में अटैच कर देंगे पनाते हुए। तो इस तरीके से हमने गोलाई में अटैच कर दी है। इस तरीके से पैंट भी हमारा एकदम रेडी है। आप यहाँ पे पैंट की लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो छोटी भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारा 18 इंच लंबाई में पैंट एकदम रेडी है। अब हम शर्ट की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों पार्ट लिए हैं शर्ट के, और ये हमारा पीछे वाला पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर फ्रंट वाले दोनों पार्ट रखते हुए शोल्डर में सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से शोल्डर में सिलाई लग चुकी है, और बैक वाला नेक भी हाफ इंच पर राउंड शेप देते हुए कट कर देना है। अब हमने जो 3 इंच वाली लंबी में स्ट्रिप्स कट कर दी थी वो गोलाई में अटैच कर देंगे। तो ये हमने 3 इंच वाली जो स्ट्रिप्स दी थी 3 इंच चौड़ी, इसे गोलाई में अटैच करेंगे। तो लेफ्ट साइड से लगाते हुए पूरी गोलाई में अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप हमने पूरी गोलाई में अटैच कर दी है, और ये एक्स्ट्रा का जो पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, इससे हमारे कॉलर का एकदम
फिनिशिंग के साथ लग जाएगी कॉलर। अब हमने जो 3 इंच वाली स्ट्रिप्स अटैच करते हुए जो सिलाई लगाई थी उसे दबाते हुए दूसरी सिलाई लगा देंगे। एक साइड से फैब्रिक फोल्ड करते हुए उस सिलाई पर ही सिलाई आनी चाहिए। पूरी गोलाई में इस तरीके से अटैच कर देंगे तो आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ चुकी है, यानी ये स्ट्रिप्स अटैच हो चुकी है और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से दिख रही है हमें। तो अब हमें आस्तीन अटैच कर देने हैं। तो ये आस्तीन वाला पार्ट हमें इस तरीके से लेना है। जो हमने टिप पार्ट कट कर दिया था वो आगे में आएगा, तो इस तरीके से हमें अटैच कर देना है दोनों आस्तीन। हमें सेंटर से अटैच करते हुए लाना है, यानी ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों साइड में आस्तीन अटैच कर देंगे और साथ ही साथ ये जो स्ट्रिप्स कट कर दी थी उसे भी सिलाई कर देंगे पलटते हुए। दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है दोनों आस्तीन में। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स अटैच करते हुए आस्तीन को भी लगा दिया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई कर देनी है। इसे भी हम सबसे पहले सीधा रखेंगे शर्ट के फैब्रिक को और 1/2 इंच पर सिलाई कर देंगे। सबसे पहले इस तरीके से सिलाई कर देनी है सीधे में और फिर बाद में इसे उल्टा करेंगे और इधर से भी सिलाई कर देंगे फिटिंग की, यानी सिलाई भी दब जाएगी, धागे वगैरह कोई भी निकलेंगे नहीं। और साथ ही साथ बॉटम में भी पूरे गोलाई में फैब्रिक फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा शर्ट रेडी हो चुका है, फिटिंग की भी सिलाई लग चुकी है। अब हमें एक साइड में बटन्स लगाने हैं और दूसरे साइड में खाच कर देने हैं। तो हम यहाँ पे 3 बटन्स अटैच कर देंगे। आप 3 या 4 कोई भी बटन्स लगा सकते हैं, शो बटन्स लगाने हैं यहाँ पे। तो एकदम नए डिज़ाइन में ये शर्ट हमारा रेडी है और हमारे पैंट की भी सिलाई हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं एकदम नए डिज़ाइन में ये। अब हम मास्क की कटिंग कर देंगे। तो इसके लिए मैंने ये 7 इंच लंबा और चौड़ाई में मैंने ये 4.5 इंच के 2 पार्ट लिए हैं। तो इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 2 फोल्ड कर दिए, इसके सेंटर में हम पिन अप कर देंगे ताकि इधर उधर सरके ना फैब्रिक। अब हम इस पर निशान लगाना है। ये हमारा पैक वाला साइड है ऊपर से, नीचे में हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और ये ऊपर वाले साइड में भी 1/2 इंच पर निशान लगाना है। और ये निशान जोड़ते हुए निशान लगाएंगे, इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से राउंड शेप देना है गोलाई में और सेम निशानों में कट्स लगाएंगे। इस तरीके से मास्क बनाएंगे ड्रेस के ऊपर मैचिंग, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आ जाता है। तो हमने इस तरीके से कटिंग कर दी है, हमारे सेम 4 पार्ट तैयार हो चुके हैं। सेम मेजरमेंट के हमारे ये 4 पार्ट है, तो इसको हम एक के ऊपर एक उल्टा रखेंगे और गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो गोलाई में सिलाई लग चुकी है, यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसे उल्टा करते हुए एक के ऊपर एक उल्टा रख देना है और टॉप पार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है, इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इस मास्क को उल्टा कर देंगे। अब इसी टाइप छोटा या बड़ा कोई भी मास्क बना सकते हैं। तो हमने इस तरीके से प्रेस लगा दिया है और ये ओपन वाले पार्ट में 1/2 इंच तक फैब्रिक दबाते हुए प्रेस कर देना है ताकि ऊपर में सिलाई अच्छे से लग सके। दोनों साइड में इसी तरीके से फैब्रिक फोल्ड करते हुए प्रेस कर देना है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे, तो इसके लिए इलास्टिक भी कट हो चुकी है और जहाँ से पार्ट ओपन है वहाँ दोनों साइड में हम इलास्टिक को अटैच करेंगे इस तरीके से और पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में इलास्टिक अटैच करते हुए। तो इस तरीके से हमारा मास्क भी एकदम रेडी है। तो आप देख ही सकते हैं इस टाइप हमारा शर्ट एकदम न्यू डिज़ाइन में रेडी है और पैंट भी। आप
इसी डिज़ाइन में छोटा या बड़ा कोई भी नाइट सूट बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और ये डिज़ाइन आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।